टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो सवाल भी खड़े हुए। एशिया कप में भारत की बॉलिंग ने निराश किया था, इसलिए टी20 वर्ल्ड कप में बड़े बदलाव होने की उम्मीद थी। देश के दिग्गज खिलाड़ियों ने सिलेक्टर से अपील की थी कि मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया के पिचों का मास्टर माना जाता है, उनका चयन जरूर होना चाहिए। लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो शमी 15 सदस्यीय टीम से बाहर थे और उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया था। इसके बाद और ज्यादा सवाल उठे तो शमी के 15 सदस्यीय टीम में शामिल होने की सुगबुगाहट और तेज हो गई। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल शमी अब टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में 15 सदस्यीय टीम की लिस्ट क्या है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह को लिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ खबरों की माने शमी को 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाने का प्लान है, इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में चुना गया है। अगर दोनों सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार रहता है तो आप उन्हें वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं। वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए शमी क्यों जरूरी। अक्टूबर में होने वाला ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, जहां की पिच काफी तेज मानी जाती है। ऐसी पिचों पर शमी अपनी बाउंस और स्विंग बॉलिंग से बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। शमी की स्पीड ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए वरदान बन सकती है। अभी भारत में जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो कोई भी गेंदबाज नहीं है जो 140 से ज्यादा स्पीड से लगातार गेंदबाजी कर सके। इसके लिए एक्सपर्ट्स भी मोहम्मद शमी को खिलाने की वकालत कर रहे हैं और शमी का खेलना अब तय माना जा रहा है। ये कैसे होगा, अब वो भी हम आपको समझाते हैं। 10 अक्टूबर तक सभी टीमों को आखिरी बार अपने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट भेजनी है। टीमों के पास अपनी चुनी हुई टीम में बदलाव करने का अधिकार भी होगा। ऐसे में शमी अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें टीम में लिया जाएगा। इस बदलाव से पहले बीसीसीआई को टूर्नामेंट डायरेक्टर से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा अगर किसी भी बॉलर या प्लेयर को दिक्कत आती है तो 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में शामिल है तो सबसे पहले मोहम्मद शमी को ही स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टी20 मैच टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ही खेला था। इसके साथ ही उनका चयन टी20 टीम में नहीं हुआ। एशिया कप में भी उनके चयन की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 के आईपीएल में मोहम्मद शमी ने शानदार बॉलिंग की है और उनकी शानदार बॉलिंग के बदौलत गुजरात की टीम टूर्नामेंट चैंपियन बन गई थी। अब शमी को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद को साबित करना होगा। इसके बाद शमी वर्ल्ड कप में दिखाई दे सकते हैं।